प्रोटीन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन, प्रोटीन क्या, क्यों और कितना। प्रोटीन शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये प्रोटीन से ही हमारे शरीर के बाल, दांत, नाखून, हड्डियां निर्मित होते हैं और इनकी मरम्मत भी होती है। इसलिए प्रोटीन उचित मात्रा में प्रतिदिन लेना चाहिए और ये लेना जरूरी है। अगर इसे हम नहीं लेते तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, समय से पहले टूट जाएगा और हम बुढ़ापे की ओर चले जाएंगे। और हमें प्रतिदिन 55 से 60 ग्राम प्रोटीन साधारण जीवन वाले को, मेहनत कस लोग होते हैं उन्हें प्रतिदिन 70 से 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन हमें शुद्ध क्वालिटी का लेना चाहिए। प्रोटीन पीडीकास 1 का प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे तो मार्केट में 3 क्वालिटी का प्रोटीन शुद्ध अवस्था में मिलता है, एक आइसोलेट सोया प्रोटीन, दूसरा केसीन प्रोटीन और तीसरा वे प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन की शुद्ध क्वालिटी है जो पीडीकास 1 को फॉलो करती है। पीडीकास 1 ये प्रोटीन को शुद्ध, प्रोटीन की शुद्धता नापने का पैमाना है। तो इस क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक युवा रहेंगे, आपका शरीर युवा रहेगा और आप इस रंगीन दुनिया का आनंद ले पाएंगे। प्रोटीन आपके कोशिका को स्वस्थ रखेगा, नवनिर्मित रखेगा और आप इस प्रोटीन से बहुत स्वस्थ और आनंदित महसूस करेंगे। प्रोटीन हर भारतीय की जरूरत है, हर इंडियन की जरूरत है और हर बच्चे की और हर बुजुर्ग की जरूरत है।